आज दिन ईद का है, बड़ी खुशी का दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जमा मस्जिद ईदगाह पे नमाज हमने अदा की। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह ईद की नमाज हो रही है, बड़ी प्यार मोहब्बत से हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से, हिंदू और मुसलमान भाईचारे से रहें, अच्छे रहें, ये संदेशा पूरी दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ईद का त्यौहार है, बड़ा खुशी का त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस भारत के अंदर मुसलमान कभी किसी को सताता नहीं, मुसलमान किसी को परेशान करता नहीं। जो कुछ लोग हैं परेशान कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरीके से जवाब देगी। भैया, हमारे बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार है ये, तो ईद मिलादुन्नबी है, ईद है। इसकी जो है हर घर घर जो है ईद उल फितर के अंदर जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं। मुबारक महीने का है, रमज़ान उल मुबारक का हमारा, और बड़ा अल्लाह ने जो है हिंदुस्तान में सबको रहते हुए एक भाईचारे के हिसाब से सबने मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर पूरे रमज़ान आते रहे और सबको एक साथ जो है सेहरी वगैरह इफ्तार वगैरह करते रहे। हमने अपने अल्लाह से ये दुआ करी है कि इस मुल्क के नाम शांति कायम हो और भाईचारा मोहब्बत हमेशा के लिए बना रहे। जो आजकल का माहौल क्रिएट हो रहा है उसको हम बिल्कुल नागवार करते हैं, बिल्कुल हमें पसंद नहीं है चीज़। तो हम इसके लिए हमने अल्लाह से दुआ करी है कि इस मुल्क के अंदर सुकून हो, अमन शांति, आपसी मोहब्बत कायम रहे हमेशा के लिए। हमने PM साहब के लिए हमने दुआएँ भी कराई हैं, उनकी सलामती के लिए, उनकी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए। जो उनका जो नज़रिया है वो सभी धर्मों को लेकर चलना है। सबसे मेन पर्पस जो है ना उनका, वो नज़रिया देखना चाहिए, वो हमारे काबिल कबूल है, उन काबिल एहतराम है बिल्कुल।